वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अरुण पवार के पास अपनी थार लेके गया था रिव्यू के लिए, तो वहाँ पे मैंने बोल दिया था अरुण पवार से कि CRDE ज़्यादा पावरफुल है एम होक से। तो मेरी वाली CRDE है, नई वाली एम होक आ रही है जो 2020 में न्यू थार आई है, तो उसका CC तो इंजन CC मेरी वाली के ज़्यादा है, बट जो नई वाली थार है उसकी CC कम है, बट उसके पावर BHP और उसका टॉर्क बढ़ा रखा है। तो बहुत लोगों ने उस पर कमेंट करा था कि भाई कैसी बात कर रहे हो, पुरानी वाली थार में ज़्यादा कम पावर है और नई वाली में ज़्यादा है। तो भाई नई वाली थार की पावर अभी देखते हैं तो कैसी है। नई वाली थार आ चुकी है, ये रही नई वाली थार यार भाई। तो भाई इनका कराएंगे टग ऑफ वॉर, और टग ऑफ वॉर में देखते हैं कौन सी जीतेगी। आ चुकी है अपनी दोनों थार। मेरी वाली का मॉडल है 2019 और ये 2022 मॉडल है, एक ही महीने पुरानी है। तो ओल्ड थार का जैसे कि आपको पता है 2498 सीसी 2498 सीसी आती है 105 BHP के साथ और 247 NM टॉर्क के साथ, और न्यू थार आ रहा है 130 BHP 300 NM टॉर्क और 2184 सीसी है। तो सीसी में तो न्यू वाली थोड़ी कम है, पुरानी वाली ज़्यादा है, बाकी BHP और टॉर्क इसका ज़्यादा है। तो देखते हैं, अब लगाते हैं इसको, टग ऑफ वॉर करवाएंगे दोनों का, तो पता लगाते हैं कौन सी ज़्यादा पावरफुल है। तो भाई चेन आ गई है टोचन के लिए, और अभी थोड़ा एक इसके कसने के लिए बोल्ट और मंगवाए हैं, तो वो लगने के बाद टग ऑफ वॉर करते हैं अब। तो कुछ लोग बोलेंगे कि तुम्हारी वाली में MT टायर है और वो नॉर्मल टायरों वाली है, तो भाई उसमें फिर उस हिसाब से देखा जाए तो टॉर्क और BHP भी ज़्यादा है। तो इस चक्कर में भाई ये तो MT में ही, अब मेरे पास कोई टायर तो बदलवा नहीं सकता मैं टग ऑफ वॉर के लिए, बाकी भाई पता ही लग जाएगा कि कितना क्या रहता है, वो वीडियो में आप लोगों को पता लग जाएगा पावर के बारे में। तो देखते हैं कौन सी जीतेगी। तो कोई कुछ पता नहीं चला, दोनों धस गई है अंदर की तरफ। अब थोड़ी साइड में करके 4 हाई और कर लेते हैं। टग ऑफ वॉर तो देख ही ली होगी, तो कुछ पता नहीं लग पाया। ऊपर से क्या था कि इसमें क्लच की वजह से, क्लच प्लेट की वजह से धुआं छोड़ रही थी मेरी गाड़ी, तो क्लच प्लेट की एक दिक्कत इसमें और थी पहले से ही कि गियर थोड़ा अटक के डल रहे थे, तो क्लच प्लेट तो इसकी होगी चेंज। अब बाकी दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम थी। ये है क्लच, क्लच के नीचे इसका मैट ऐसे पहले था सही पूरा, बाद में मैंने काटा क्योंकि क्लच ढंग से दबता नहीं था, और इस पे 20,000 गाड़ी चल चुकी थी,
है मैट। तो गाड़ी 20,000 चलने के बाद ये दिक्कत है फिर मेरे को पता लगी, तो मैंने इसका मैट काट दिया। बाकी अभी इसमें प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है तो आज पता लगाया ज्यादा कि क्लच इतना ज्यादा धुआं छोड़ने लगी क्लच प्लेट। तो अब इसकी क्लच प्लेट एक मैं लास्ट पहले एक ट्रिप मार लूं, तो ट्रिप के बाद सोच रहा हूं चेंज करा लूं। बाकी अभी मैंने मैकेनिक से बात करी थी, वो कह रहा है इसको चेक करो भगा के, अगर सही भाग रही है प्रॉपर तो ठीक है, और अगर रेस ज्यादा ले रही है और भाग कम रही है तो मतलब चेंज होगा। वैसे मैं कल चेंज कराने वाला था बट उसने कहा है पहले अभी चेक करो, इतनी जल्दी खराब नहीं हुई होगी, हल्की फुल्की होगी, पहले ढंग से खराब हो जाए फिर चेंज करा लेना, वो यूं कह रहा है। तो देखते हैं अभी चेक करूंगा फिर बताते हैं कल चेंज होती है या फिर मैं इसको ट्रिप के बाद चेंज कराऊं, करानी तो है ही।